एक बार फिर से लौट रहा है बॉलीवुड का टाइगर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हेफेस्टा न्यूज। वैसे तो सलमान खान ने पिछले 10 सालों में एक से बढ़कर एक फिल्में की है और उनके निभाए गए हर कैरेक्टर लोगों को आज भी याद है, चाहे वो टाइगर हो, चुलबुल पांडे हो, डेविल हो, बजरंगी भाईजान हो, सुल्तान हो या फिर राधे का। हर सलमान खान के कैरेक्टर को दर्शक ने बहुत ही पसंद किया था, लेकिन ये सब कैरेक्टर में टाइगर के बहुत सारे फैन हैं, इसलिए तो सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है टाइगर जिंदा है। तो टाइगर फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जय सलमान खान राधे फिल्म के बाद लेकर आने वाले है टाइगर 3 फिल्म। बता दें कि ये फिल्म के प्री प्रोडक्शन काम काज शुरू हो गया है और सलमान खान टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग मार्च महीने की स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे। फिल्म की शूटिंग मार्च से लेकर अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि ये फिल्म एक बिग बजट फिल्म होगी और बताया जा रहा है कि सलमान खान के करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी। इसके कारण टाइगर 3 बनने में काफी टाइम लगेगा और ये फिल्म की शूटिंग शुरू होगी यशराज स्टूडियो से और इसके बाद एब्रॉड में भी ये फिल्म की शूटिंग होने वाली है। फिल्म का एक्शन काफी धमाकेदार और लाजवाब होगा, क्योंकि ये फिल्म में एक्शन अलग अलग एक्शन डायरेक्टर मिलकर करेंगे और सबसे खास बात कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है अगले साल क्रिसमस पर। बता दें कि सलमान खान की एक टाइगर फिल्म आई थी ईद पर, उस समय सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। इसके बाद रिलीज हुई टाइगर जिंदा है और वो फिल्म आई थी क्रिसमस पर और टाइगर जिंदा है सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और एक बार फिर से सलमान खान टाइगर बनकर लौट रहे हैं, वो भी अगले साल क्रिसमस पर। बता दें कि फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ नजर आएंगी। इसके अलावा बहुत ही दमदार स्टार कास्ट भी दिखेंगे। फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग विलन होगा, जैसे कि हमने टाइगर जिंदा है में देखा था, और फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन देने वाले हैं मनीष शर्मा, जिसकी अपडेट हमने आपको पहले ही दे दी थी। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं ये फिल्म को लेकर, और ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटा न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।